हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके गाइडेंस। आज हम बात करेंगे पैरामेडिकल फील्ड के बारे में, जिसके अंडर आता है डायलिसिस टेक्नीशियन कोर्स। जो भी स्टूडेंट है, अगर वो पैरामेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं, तो ये कोर्स के बारे में ज़रूर देखिए कि ये डायलिसिस होता क्या है, देन उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, ड्यूरेशन क्या होता है, करियर एज अ डायलिसिस टेक्नीशियन कैसा रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको ये वीडियो में मिलेगी। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ़ यू वॉन्ट टू गो इन अ पैरामेडिकल फील्ड, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे कि डायलिसिस होता क्या है। डायलिसिस इज द आर्टिफिशियल प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ ब्लड। यूजिंग डायलिसिस प्रोसेस इट इज पॉसिबल टू रिमूव वेस्ट, एक्सेस ऑफ वाटर एंड अदर अनवांटेड फ्लूइड्स फ्रॉम द ब्लड ऑफ पेशेंट। देखिए, एक मशीन होता है जिसके थ्रू हम ब्लड प्यूरीफाई करते हैं, मीन्स ब्लड में जो भी टॉक्सिन है, जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं, जो रिक्वायर्ड नहीं है, तो उसे प्यूरीफाई करने के लिए हमें एक मशीन का सहारा लेना पड़ता है। उससे ब्लड प्यूरिफिकेशन किया जाता है, इस प्रोसेस को हम डायलिसिस बोलते हैं। ओके, अभी हम देखेंगे कि डायलिसिस की नीड कब होती है और किससे ज़रूरत होती है और क्यों करते हैं। देखिए, एक जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन होते हैं, उनमें जो किडनी होती है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मींस वो ब्लड को प्यूरीफाई करने का काम करती है। जो भी टॉक्सिन है, जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं, वेस्ट है, उन सबको निकालती है, प्यूरीफाई करती है, फिल्टर करती है और उसे साफ़ करती है। लेकिन अगर जैसे किडनी फेल हो जाता है या फिर काम करना बंद कर देती है, चाहे किसी भी वजह से हो, चाहे कोई बीमारी हो जाती है, उसकी वजह से उसका अफेक्ट हमारी किडनी पे पड़ता है। ओके, चाहे वो डायबिटीज़ हो जाए, हाइपरटेंशन हो जाए, तो कभी कभी वो ऑर्गेन्स फेल हो जाते हैं, तो वो काम करना बंद हो जाती है। तो जब किडनी अपना काम करना बंद कर देती है, तो ब्लड प्यूरीफाई नहीं होता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है एक पर्सन को हेल्दी रहने के लिए और अलाइव रहने के लिए। तो उसके लिए हमें फिर जो एक मशीन का सहारा लेना पड़ता है, जो कि ये काम करती है जैसा किडनी का काम करती है, मीन्स उसे प्यूरीफाई करती है। टाइप ऑफ डायलिसिस देखते हैं। दिस आर डिवाइडेड इन टू टाइप। पहला है हेमोडायलिसिस, देन सेकेंड है पेरिटोनियल डायलिसिस, एंड देन पेरिटोनियल डायलिसिस भी आगे सब डिवाइड होता है दो टाइप में। देखिए फ्रेंड्स, ये तो आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा सजेस्ट करते हैं टाइप आपके लिए। वो आपके मेडिकल ट्रीटमेंट पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए। हेमोडायलिसिस में मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ आपको इन दोनों में। जैसे कि देखिए, अगर आप हेमोडायलिसिस कर रहे हो, तो आपको जो डायलिसिस सेंटर होता है, जो क्लिनिक होता है, वहाँ जाना पड़ता है और वहाँ पर आपको टाइम देना पड़ता है, और वहाँ पर जो भी ट्यूब होता है, सॉफ्ट ट्यूब होता है, वो इंसर्ट करते हैं, एंड देन ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है, और फिर प्यूरिफिकेशन के बाद में वो इंसर्ट होता है। ओके, पेरिटोनियल में एक सोल्यूशन होता है जो एब्डोमल में इंजेक्ट किया जाता है, और उसके बाद में वो कुछ 5-6 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है, देन वो पूरा वेस्ट उसमें कलेक्ट हो जाता है और फिर ड्रेन आउट हो जाते हैं स्टराइल बैग में। ये आपको पर्सनली भी कर सकते हो, उसमें मतलब आपको पहले सिखाया जाएगा, उसके बाद में आपको क्लिनिक और सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके मेडिकल ट्रीटमेंट पे और डॉक्टर के एडवाइस करते हैं उसके ऊपर। ओके, ये तो आपको कोर्स में सब कुछ सिखाया जाएगा। मैंने बेसिक थोड़ा सा यहाँ पर कवर किया है कि डायलिसिस होता क्या है और किसको ज़रूरत होती है क्या। देन अभी हम कोर्स के बारे में बात करेंगे कि इसमें अगर आपको कोर्स करना है तो इसकी क्या एलिजिबिलिटी है और क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी हैव बीन स्ट्रक्चर टू ट्रेन टेक्नीशियन टू बी एन इफेक्टिव पार्ट ऑफ द नेफ्रोलॉजी टीम। देर इज अ ग्रोइंग डिमांड ऑफ डायलिसिस टेक्नीशियन इन हॉस्पिटल विद एन इंक्रीज इन डायबिटिक पेशेंट एंड इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट रीनल डिजीज एंड द इम्प्लीकेशन। जैसे जैसे पेशेंट्स बढ़ रहे हैं रीनल डिजीज के, डायबिटिक पेशेंट के, वैसे वैसे जो टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है डायलिसिस की, उसकी भी रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। ओके, दिस टेक्नीशियन विल ब्रिज द गैप बिटवीन द नेफ्रोलॉजिस्ट एंड द पेशेंट, देयर बाय फैसिलिटिंग देयर केयर। द टेक्नीशियंस आर गिवन हैंड ऑन ट्रेनिंग ऑफ डायलिसिस इक्विपमेंट एंड इट्स मेंटेनेंस। देखिए, अब हम देखेंगे कि एक डायलिसिस टेक्नीशियन का टास्क क्या होता है, उसे क्या क्या करना होता है। देखिए, उन्हें तो पहले नोट डाउन करना पड़ता है इंपॉर्टेंट जो डिटेल होते हैं पेशेंट के, जैसे कि टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, देन पल्स रेट एंड वेट जो होता है पेशेंट का, वो सब नोट डाउन करना होता है। डायरेक्शन बताना होता है पेशेंट को, सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है। जो इक्विपमेंट होता है, जो मशीन होती है डायलिसिस की, जो प्योरिफिकेशन करती है, उसकी सेटिंग करनी होती है। देन सुपरविजन भी करना होता है जब प्रोसेस चालू होता है, कि प्योरिफिकेशन प्रोसेस प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं, मॉनिटर करना होता है पेशेंट को भी, मशीन को भी कैलकुलेट करना होता है और मॉनिटर करना होता है जो ब्लड फ्लो होता है उसको, फिर क्लीनिंग करना होता है, इंस्पेक्शन करना होता है जो डायलिसिस मशीन होती है, मीन्स बेसिकली ओवरऑल जो जो इक्विपमेंट होता है, जो मशीन होती है डायलिसिस की, उसको पूरी तरह से ऑपरेट करना, स्टार्ट टू एंड सब कुछ एक डायलिसिस टेक्नीशियन को करना होता है, जो कि आपको एक जो कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है उसमें
ईच एंड एवरीथिंग आपको सब कुछ सिखाया जाएगा कि कैसे आपको इक्विपमेंट हैंडल करना है, कैसे आपको प्रोसीजर करना है, कैसे ऑपरेट करना है, पेशेंट से कैसे सब आपको डील करना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको सब कुछ सिखाया जाएगा ये ड्यूरेशन में. ओके, डायलिसिस का कोर्स देखिए फ्रेंड्स, 3 इसमें डिवाइड है. आप डिग्री कर सकते हो, बैचलर डिग्री या फिर डिप्लोमा कर सकते हो, या फिर सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हो. अगर आपको बैचलर डिग्री करना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो देखते हैं. देखिए, अगर आपने 12th पास किया है साइंस स्ट्रीम से, पीसीबी से किया है विथ मिनिमम मार्क्स ऑफ 45 to 55% मार्क्स है, तो आप बीएससी में एडमिशन जब लोगे जो कि 3 साल का होता है, तो उसमें आप डायलिसिस टेक्नोलॉजी का जो कोर्स होता है वो लीजिए, तो आपका डिग्री कोर्स हो जाएगा. ओके, तो इसका बेसिकली जो एलिजिबिलिटी क्या है, 12th साइंस होना चाहिए आपका बैकग्राउंड, तो आप बैचलर कर सकते हो. डिप्लोमा करने के लिए भी आपका 12th साइंस होना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हो. इसका ड्यूरेशन 2 साल का होता है, 2 साल में आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप किसी भी हॉस्पिटल क्लिनिक में ज्वाइन कर सकते हो जॉब. ओके, एंड सपोज आपने 12th नहीं किया है, या फिर आपका 12th का बैकग्राउंड साइंस का नहीं है, तो भी आप ये कोर्स में अगर फिर भी आपको पैरामेडिकल फील्ड में जाने का बहुत इंटरेस्ट है, तो आप कर सकते हो 10th के बेसिस पे. मीन्स सर्टिफिकेट कोर्स होता है ये, 1 साल का कोर्स होता है. मीन्स अगर सपोज आपको पैरामेडिकल में एंट्री लेना है, तो ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है. 10th के बाद आप कोर्स कर सकते हो जो कि 1 साल का होता है. लेकिन हाँ, ये डिप्लोमा और जो डिग्री होता है उसके लेवल का नहीं होता है. बस आपको अगर पैरामेडिकल में जाना है और उसमें एंट्री लेनी है, तो आप 10th के बेसिस पे भी आप कोर्स कर सकते हो, सर्टिफिकेट कोर्स बोलते हैं इसे, और उसमें जॉब कर सकते हो. ओके, करियर प्रोस्पेक्ट देखते हैं कि आप एज अ डायलिसिस टेक्नीशियन जॉब कर सकते हो, या फिर डायलिसिस सुपरवाइजर के जैसे कर सकते हो, और एल्स डायलिसिस थेरेपिस्ट, या फिर डायलिसिस असिस्टेंट के जैसे आप जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, आप पोस्ट ज्वाइन कर सकते हो. ये डिपेंड करता है, जो मैंने आपको पोस्ट बताया, जो डेजिग्नेशन बताया, ये सब आपके क्वालिफिकेशन पे भी डिपेंड करता है. जिससे आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप हॉस्पिटल में ज्वाइन कर सकते हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, या फिर क्लिनिक्स में ज्वाइन कर सकते हो, या फिर जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, या फिर जो एनजीओस होते हैं जो प्रोवाइड्स करते हैं डायलिसिस ट्रीटमेंट पेशेंट को, वहाँ पर आप जॉब कर सकते हो. ओके, और ये सारा जॉब जो आप जॉब करते हैं, ऑपरेट करते हो, ये आपको अंडर द सुपरविजन करना होगा ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर, उसके अंडर आपको सब ऑपरेट करना होगा. अगर आप बीएससी करते हो या एमएससी करते हो डायलिसिस टेक्नोलॉजी में, तो आपका जो पोस्ट है वो भी बढ़ेगा. लाइक आप डायलिसिस सुपरवाइजर के पोस्ट पे भी जा सकते हो, या फिर आप अगर आप आगे मास्टर या पीएचडी करते हो, तो आप एज अ लेक्चरर, एज अ प्रोफेसर भी किसी भी मेडिकल कॉलेज या पैरामेडिकल कॉलेज जो होता है, वहाँ पर एज अ लेक्चरर आप जॉब ज्वाइन कर सकते हो. वो आपके क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करते हैं. एडवांस कोर्स देखते हैं कि आप आगे क्या क्या कर सकते हो. जिससे आपने बीएससी में कर लिया डायलिसिस का कोर्स, तो उसके बाद आप मास्टर कर सकते हो, या फिर पीजी कर सकते हो. कुछ मास्टर कोर्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, जैसे कि आप एमएससी कर सकते हो डायलिसिस टेक्नोलॉजी में, या फिर एमएससी कर सकते हो रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में, या फिर एमएससी इन रीनल साइंस एंड डायलिसिस टेक्नोलॉजी, या फिर एमएससी इन डायलिसिस थेरेपी में आप कर सकते हो जॉब. ओके, तो फ्रेंड्स, मैंने एडवांस कोर्स भी बता दिया. देखिए, अगर आप मेरा एडवाइस ये रहेगा कि अगर आप अच्छी पोस्ट और अच्छा करियर चाहते हो, तो आप बैचलर डिग्री कीजिए, उसके बाद एमएससी कीजिए, और जैसे आपको इंटरेस्टेड हो तो आप फर्दर एडवांस कोर्स ज़रूर कीजिए. उससे आपकी पोस्ट भी बढ़ेगी, प्लस आपकी सैलरी भी बढ़ेगी उससे. और अगर हम यहाँ पे सैलरी की बात करें, तो अगर आप बेसिकली स्टार्ट करते हो, तो स्टार्टिंग आपकी 15 to 18K रहेगी. लेकिन जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उसमें, तो उसके आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी. और जैसे आपका अगर आपने कोर्स अच्छा किया है और एडवांस कोर्स किए हैं, तो आपकी पोस्ट तो बढ़ेगी, प्लस आपकी सैलरी भी रहेगी. लेकिन बेसिक इतनी ही रहेगी, सैलरी स्टार्टिंग इतनी है. लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, आपने 12th साइंस से किया है, अगर आप सोच रहे हो कि कौन सा कोर्स मुझे करना है, या किसी पैरामेडिकल में ही करना है, तो ये कोर्स भी बहुत अच्छा है. अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर कीजिए ये कोर्स को. अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड, तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगी. और अगर कोई और कोर्स की अगर आपको जानकारी चाहिए, तो वो भी कमेंट कीजिए, मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी. एंड बाकी जो कोर्स की डिटेल्स है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उनकी भी हेल्प कीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको आगे भी कोर्सेज से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल. ऑल द बेस्ट.